Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor in Department of Education, SS Khanna Girls Ruby College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very interesting topic, that is philosophy and its relationship with belief, faith, reason and rationality. Okay, so let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, आपसे कहा गया कि इसी पर टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट्स लिखिए, या आपसे कोई इस तरीके का एमसीक्यू पूछा जा रहा है, तो अगर हमें कुछ भी नहीं पता है, हम नहीं जानते, हम ये टॉपिक बिना पढ़े चले गए एग्जाम देने, तो भी हम ये तो समझ सकते हैं कि फिलोसफी, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो फिलोसफी की तीन मुख्य ब्रांचेस हैं, मेटाफिजिक्स है, एपिस्टेमोलॉजी है, एक्सियोलॉजी है. तो मेटाफिजिक्स का तो रैशनैलिटी से क्या ही लेना होगा, है ना, एक्सियोलॉजी का होगा नहीं. ये रैशनैलिटी फेथ, बिलीफ, रीजन और रैशनैलिटी का कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आना चाहिए कि नॉलेज से लेना देना है. और फिलोसफी की कौन सी शाखा नॉलेज से सरोकार रखती है, वो एपिस्टेमोलॉजी है. तो एपिस्टेमोलॉजी से शुरू करते हैं कि द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ द नेचर, ओरिजिन एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, है ना. एपिस्टेमोलॉजी क्या है कि ह्यूमन नॉलेज का ओरिजिन क्या है, प्रकृति क्या है, उसकी लिमिट भी, कि हम क्या जान सकते हैं, कहां तक हमारी पहुंच है. दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक इपिस्टीम. इपिस्टीम जो है वो ग्रीक शब्द है. हम लोग बार बार इस चीज को पढ़ रहे हैं कि ग्रीक फिलोसोफर्स हैं शुरुआती दौर के वेस्टर्न में, तो जितना भी सब ओरिजिन है, सब वर्ड्स हमको ग्रीक मिलते हैं. तो इपिस्टेम नॉलेज, तो अकॉर्डिंगली इसको कहा गया, फील इज समटाइम्स रिफर टू एज थ्योरी ऑफ नॉलेज. तो इपिस्टेमोलॉजी को थ्योरी ऑफ नॉलेज कहा गया. However, another primary consideration of epistemology is establishing distinctions between justified beliefs and opinions. मतलब theory of knowledge तो है ही, इसके अलावा इसका ये भी काम है कि distinct करे, विभेद करे, किसके किसके बीच में हमारी जो राय है, जो हम विचार रखते हैं, हमारे opinion और belief, लेकिन वो जो justified belief हो, यानी कि विश्वास तो है पर वो सत्यापित विश्वासों और विचारों के बीच में distinction establish करने का काम भी epistemology का है. In some regard, the notion of justified belief is the core principle of epistemology. आप ये भी समझ सकते हैं कि epistemology का core principle, मुख्य सिद्धांत जो है, वो justified belief ही है. Epistemology focuses on our means of acquiring knowledge and how can we differentiate between truth and falsehood. Epistemology का ये भी focus होता है कि वो ये जाने कि हम कौन से साधनों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हम सच और झूठ के बीच में विभेद कर सकते हैं, ये भी देखना epistemology का काम है. तो अगर ओरिजिन ऑफ नॉलेज की बात करें तो फिलोसोफर्स विश टू नो नॉट ओनली व्हाट नॉलेज इज बट आल्सो हाउ इट अराइजेस. जो दार्शनिक थे वो हमेशा से ये जानना चाहते थे कि ज्ञान क्या है और ये कैसे उत्पन्न होता है. दैट डिजायर इज मोटिवेटेड इन पार्ट बाय द अजम्पशन दैट एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द ओरिजिन्स ऑफ नॉलेज कैन शेड लाइट ऑन इट्स नेचर. तो कैसे हम ओरिजिन ऑफ नॉलेज पे, बहुत सारी बातें हैं, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, फिलोसफी मूल फिलोसफी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, पर आप अगर उसको पढ़ेंगे तो बहुत तरीके का ज्ञान है ना. इम्पोज नॉलेज है, पार्शियल नॉलेज है, इस तरह से बहुत तरीके के नॉलेज में उन्होंने डिफाइन किया है. हमारा लेना जिससे है वो इननेट और एक्वायर्ड नॉलेज. ये बड़ा यू कैन से कि डिस्कशन का विषय रहा कि ज्ञान हमारे अंदर ही है या ज्ञान हम बाहर से प्राप्त करते हैं. और ये सिर्फ फिलोसफर्स ने नहीं, ये साइकोलॉजिस्ट ने, ये बाकी विधाओं के वैज्ञानिक जानकारों ने भी इस पर बात की है. The problem of the origins of knowledge has engendered two historically important kinds of debate. ये debate चली, दोनों तरह के school चले, बताने वाले कि कुछ लोगों ने कहा कि knowledge जो है वो innate है, आपके अंदर है, जन्मजात है, और कुछ ने कहा आप इसे बाहर से प्राप्त करते हैं. One of them concerns the question of whether knowledge is innate, that is present in the mind in some sense from birth or acquired through experience. The matter has been important not only in philosophy but also since the mid 20th century in linguistics and psychology. सभी जानकारों ने ये जानने का प्रयास किया. The American linguist Noam Chomsky, हम लोगों ने Noam Chomsky के बारे में भी पढ़ा है. For example, argued that the ability of young children to acquire any human language on the basis of invariably complete and even incorrect data is proof of the existence of innate linguistic structures. अगर आपको याद हो Noam Chomsky, तो वो universal grammar की बात करते हैं. वो कह रहे हैं सब कुछ आपके mind, brain में है, है ना, बस हमको उसको थोड़ा सा बाहर निकालना है. तो ये इनेट नॉलेज के समर्थक हुए. इन कंट्रास्ट द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट सच एज बीएफ स्किनर, अ लीडिंग फिगर इन द मूवमेंट नोन एज बिहेवियरिज्म, ट्राइड टू शो दैट ऑल नॉलेज इंक्लूडिंग लिंग्विस्टिक नॉलेज इज द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग थ्रू एनवायरमेंटल कंडीशनिंग by means of processes of reinforcement and reward. लेकिन B.F. Skinner जैसे वैज्ञानिकों ने कहा, मनोवैज्ञानिकों ने, कि नहीं, हम सब कुछ जो है वो वातावरण से conditioning के बाद सीखते हैं, जिसमें कि
कि रिवॉर्ड और रीइन्फोर्समेंट क्यों निभाती, मतलब ये डिबेट का मुद्दा रहा कि इनेट नॉलेज या एक्वायर्ड नॉलेज। अब डेफिनेशन ऑफ नॉलेज, अगर हम नॉलेज को परिभाषित करना चाहें तो क्या कहें, प्लेटो सजेस्टेड दैट टू नो समथिंग इज टू बिलीव इट। प्लेटो ने कहा कि कुछ जानने का मतलब है कि हम उस पर विश्वास करते हैं। एंड टू प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ इट्स एसेंशियल फीचर्स, नॉलेज इज देयरफॉर, तो नॉलेज क्या हो गया, बिलीफ प्लस अंडरस्टैंडिंग, मतलब हम उस पर विश्वास भी करते हैं और उसको समझते भी हैं, तो वो ज्ञान है। प्लेटो होल्ड्स दैट देयर आर थ्री एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ नॉलेज, प्लेटो ने कहा कि ज्ञान के तीन मुख्य कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से हैं वो, जस्टिफिकेशन, जो है उसको हम जस्टिफाई कर पाए, सत्यापित कर पाए, वो सत्य हो और वो विश्वास भी हो। हेंस प्रोपोजिशनल नॉलेज इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, तो हम नॉलेज क्या कह सकते हैं, नॉलेज क्या है, जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ ही नॉलेज है। वन इम्प्लीकेशन मतलब कि वो विश्वास जो सत्य भी है जो सत्यापित भी है। वन इम्प्लीकेशन ऑफ दिस डेफिनेशन इज दैट जस्ट बिकॉज वन बिलीव समथिंग एंड इट टर्न्स आउट टू बी ट्रू, इट डजंट मीन दैट वन न्यू इट, बिकॉज बिलीफ लैक्स जस्टिफिकेशन। देखिए बड़ा ये, देखिए फिलोसफी में ये बड़ा मतलब इसकी सुंदरता है, इसकी ब्यूटी है कि सिर्फ आप इसको सरसरी तौर पर पढ़कर नहीं कर सकते, क्या है जस्टिफिकेशन चल रहा है, प्लस जस्टिफिकेशन है, प्लस अंडरस्टैंड, नहीं ऐसे नहीं, समझना है, समझेंगे तभी आप इसको दोबारा लिख पाएंगे। कह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए कि हम किसी चीज पे विश्वास करते हैं और अगर वो सच हो जाए इसका मतलब कि वो ज्ञान है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बिलीफ होता है वो जस्टिफिकेशन लैक करता है जनरली। जैसे कि मान लीजिए कोई भी बात है, हम कहेंगे हम ऐसा मानते हैं, लेकिन हम उसको दूसरे को नहीं जस्टिफाई कर सकते ना, दूसरे को कैसे जस्टिफाई करेंगे, आप जो मानते हैं तो आपका बिलीफ है, तो बिलीफ जस्टिफाई जस्टिफिकेशन को लैक करता है। द क्वेश्चन ऑफ हाउ नॉलेज शुड बी डिफाइंड इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट ऑफ द थ्री विद व्हिच वी शैल डील। दिस मे सीम सरप्राइजिंग एट फर्स्ट साइट, इट माइट बी थॉट दैट नॉलेज माइट बी डिफाइंड एज बिलीफ विच इज इन एग्रीमेंट विद द फैक्ट्स। वो कह रहे हैं कि ज्ञान, ये ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं ज्ञान को कि विश्वास है जो फैक्ट्स के भी एग्रीमेंट को मान रहा है, मतलब विच इज इन एग्रीमेंट, वो ऐसा अलाइनमेंट फैक्ट के साथ भी बैठ रहा है और विश्वास भी है, तो वो ज्ञान हो सकता है। द ट्रबल इज दैट नो वन नोज व्हाट अ बिलीफ इज, अब बात ये है कि बिलीफ क्या है, नो वन नोज व्हाट सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन देम वुड मेक अ बिलीफ ट्रू, ये भी नहीं पता है कि किस तरीके का एग्रीमेंट वो करे तो वो सच हो जाए। लेट अस बिगिन विद बिलीफ, तो अब हम बिलीफ से शुरू करेंगे कि बिलीफ क्या है, फिर बात करेंगे फेथ क्या है, रीजन क्या है, रैशनैलिटी क्या है, है ना। बिलीफ क्या है, ट्रेडिशनली अ बिलीफ इज अ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ सर्टेन सॉर्ट, जनरली विश्वास हमारे मन की एक दशा है जो हम मानते हैं कि ऐसा है। बट द बिहेवियरिस्ट डिनाइड दैट देयर आर स्टेट्स ऑफ माइंड, लेकिन जो बिहेवियरिस्ट है वो स्टेट ऑफ माइंड की तो बात ही नहीं करते, वो तो मेंटल प्रोसेसेस की बात ही नहीं करते। और एट लीस्ट दैट दे कैन बी नोन, दे देयरफॉर अवॉइड द वर्ड बिलीव, और अगर मान लो थोड़ा बहुत वो कहीं मान भी रहे हैं इस दशा को तो भी वो बिलीव शब्द को अवॉइड करते हैं। एंड इफ दे यूज्ड इट वुड मीन बाय इट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉडीली बिहेवियर, और अगर वो उसको मानते भी हैं तो वो उसको व्यवहार से जोड़ देते हैं क्योंकि वो व्यवहारवादी हैं। A thought or belief may, therefore, in the view of common sense, be shown by behavior without any corresponding mental occurrence. तो उनके हिसाब से belief क्या है? ये एक common sense है, हमारे व्यवहार में झलकता है और उसका mental state से कोई लेना देना नहीं है। Belief is defined as a conviction of the truth of a proposition without its verification. तो belief क्या हो गया? कि कुछ है जो आप मानते हैं लेकिन आप उसको verify नहीं कर सकते। Merely true belief is not sufficient for knowledge. और सिर्फ विश्वास ज्ञान के लिए पर्याप्त भी नहीं है। Many true beliefs obviously do not qualify for knowledge. तो आप ये कह सकते हैं कि विश्वास जो है, आपका belief जो है, वो knowledge के लिए qualify नहीं कर पा रहा है। तो ये यहाँ पे fail हो गया। अब बात आती है faith की। देखिए फेथ, अगर हिंदी शब्द देखेंगे तो फेथ में भी आपको विश्वास मिलेगा, बिलीफ में भी विश्वास मिलेगा, पर फेथ जनरली रिलीजियस होता है ना, कि ईश्वर में विश्वास को आप फेथ कहते हैं। तो फेथ इज अ बिलीफ बेस्ड ऑन इंस्पिरेशन, रिवीलेशन और अथॉरिटी, व्हाइल रीजन इज अ टूल फॉर डिस्कवरिंग ट्रूथ बेस्ड ऑन फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स, है ना। रीजन क्या है? जो आपका तर्क है, जो तर्क शक्ति है, वो एक उपकरण है जो आपको ट्रूथ को डिस्कवर करने में हेल्प करती है। और फेथ जो है वो इंस्पिरेशन पे, अथॉरिटी पे, रिवीलेशन पे आपको विश्वास है। Some philosophers believe there can be no conflict between faith and reason. कुछ दार्शनिक ये मानते हैं कि faith और reason में कोई conflict नहीं है, कोई भी द्वंद नहीं है, सब एक साथ चल रहे हैं। While others believe they can be in opposition, बल्कि कुछ मानते हैं कि उनमें नहीं, वो विरोधाभास में रहते हैं। Faith a central topic in the philosophy of religion. जब आप धर्म के दर्शन की बात करते हैं तो faith एक उसमें central topic के रूप में उभरता है। Rarely receives focus in mainstream epistemology. लेकिन mainstream epistemology ने faith पर ज्यादा बात नहीं की है।
Virtuous faith is central to a great deal of epistemology. To ignore faith is to ignore a crucial element of our social and individualistic epistemic lives. यानी कि faith भी कमतर रह गया knowledge के क्षेत्र में epistemology, क्योंकि epistemology faith पे ज़्यादा बात ही नहीं कर रहा है. faith पे कौन बात कर रहा है? Generally religious philosophy बात कर रही है. तो faith की बात भी यहाँ खत्म होती है. अब चलते हैं reason पे. reason क्या है? Traditionally faith and reason have each been considered to be sources of justification for religious belief. मतलब कहते हैं ना कि जैसे ईश्वर ईश्वर है, हम मानते हैं ईश्वर, ये हमारा विश्वास है, लेकिन तर्क से आप उसको साबित नहीं कर सकते कि सामने वाला पूछेगा आपने ईश्वर को देखा है ना. तो बिकॉज फॉर बोथ कैन परपर्टेडली सर्व द सेम एपिस्टेमिक फंक्शन, इट हैज बीन मैटर ऑफ मच इंटरेस्ट टू फिलोसोफर्स एंड थियोलॉजियंस हाउ द टू आर रिलेटेड एंड दस हाउ द रैशनल एजेंट शुड ट्रीट क्लेम्स डिराइव्ड फ्रॉम आइदर सोर्स. कैसे दोनों संबंधित हैं, क्या इनमें अंतर सह संबंध है, फेथ और रीजन में, यानी विश्वास और तर्क में. सम हैव हेल्ड दैट देयर कैन बी नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू. कुछ लोग मानते हैं कि दोनों में कोई द्वंद नहीं है. दैट रीजन प्रॉपरली अंडरस्टूड विल नेवर प्रोड्यूस कंट्राडिक्टरी और कंपीटिंग क्लेम्स, वेयर एज अदर्स हैव मेंटेन दैट फेथ एंड रीजन कैन और इवन मस्ट बी इन जेन्युइन कंटेंशन ओवर सर्टेन प्रोपोजिशंस और मेथोडोलॉजीज. ये बात हुई. मतलब ये सब क्या है? ज्ञान प्राप्त के सोर्सेज ऑफ नॉलेज है. रीजन से भी मिलता है, फेथ से भी मिलता है, से मिलता है. तो ये फिलोसफी की किस शाखा से मिल रहे हैं? सब जाके एपिस्टेमोलॉजी से मिल रहे हैं. ओके, अब बात आती है रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म की. जैसे एक डिबेट चली इननेट और एक्वायर्ड, वैसे ही बहुत पॉपुलर डिबेट चली रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म, यानी तर्कवाद और मतलब आप जो इंद्रियों से अनुभूत कर सकते हैं. तो तर्कवाद कह रहे हैं कि सब चीज, सारा जितना कुछ है, सबका सोर्स रैशनल है, आपका रैशनल एटीट्यूड रीजन है, सारा ज्ञान आप रीजन से प्राप्त कर सकते हैं. और एम्पिरिसिस्ट कह रहे हैं कि सारा ज्ञान आप एक्सपीरियंस से लेंगे. यही बात है. द सेकंड डिबेट रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ द ओरिजिन्स ऑफ नॉलेज इज दैट बिटवीन रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म. अकॉर्डिंग टू रैशनलिस्ट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज इज द फैकल्टी ऑफ रीजन. वो कह रहे हैं तर्क ही वो फैकल्टी है जिससे आपको सारा ज्ञान मिलेगा, जबकि एम्पिरिसिस्ट कह रहे हैं कि आपको अनुभव से सारा ज्ञान मिलेगा. ऑलमोस्ट नो फिलोसफर हैज बीन अ स्ट्रिक्ट थॉरो गोइंग एम्पिरिसिस्ट. लेकिन कोई भी फिलोसफर पूरी तरीके से एम्पिरिसिस्ट नहीं है जो ये मान रहा हो कि सारा का सारा ज्ञान आपको अनुभव से मिल जाएगा. इवन जॉन लॉक, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न एम्पिरिसिस्ट कहलाते हैं, एम्पिरिसिज्म कहलाते हैं, उन्होंने भी कहा कि सम नॉलेज दैट डज नॉट डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंस. उन्होंने भी माना कि नॉलेज का कुछ हिस्सा ऐसा हो सकता है जो अनुभव के बिना भी आपके पास हो. अब बात करते हैं रैशनैलिटी की. तो रैशनलिज्म या रैशनैलिटी इज द थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच रीजन और इंटेलेक्ट द मेन इफ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज. ये मानते हैं कि वैलिड नॉलेज प्राप्त करने का एक ही मुख्य साधन है, वो आपका आपकी बुद्धि या आपका तर्क है. नॉलेज इज गिवन बाय द क्लियर रीजन ऑफ द इंटेलेक्ट और रीजन. अकॉर्डिंग टू रैशनलिज्म द सेल्फ इज एसेंशियली एक्टिव एंड रैशनल. आप कह रहे हैं वो जो स्व है आपका वो एक्टिव रहता है, वो तर्कपूर्ण है, एंड सेंसेशंस आर एक्सीडेंट्स टू इट. और जो हम अनुभव कर रहे हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, वो उसके प्रतिफल के रूप में हमें मिलती हैं. नॉलेज अकॉर्डिंग टू रैशनलिस्ट इज एक्टिवली प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्फ आउट ऑफ इट्स ओन इनर आइडियाज विद द हेल्प ऑफ रीजन व्हिच इज द सेल्फ्स ट्रू एसेंस. ये कह रहे हैं कि ज्ञान हमको कैसे मिलता है. तर्कवादी कह रहे हैं कि आपके अंदर जो आइडियाज हैं, जो तर्क आप उससे करते हैं, उसी से निकलता है. सॉक्रेटिस एंड प्लेटो वर द अर्लीस्ट रैशनलिस्ट फिलोसोफर्स. ये सबसे पहले तर्कवादी दार्शनिक हुए. अकॉर्डिंग टू देम ट्रू नॉलेज ओरिजिनेट्स इन रीजन. इन्होंने कहा कि जो सच्चा ज्ञान है, सत्य है, वो आपसे तर्क से ही निकलेगा. सेंसेशंस एंड फीलिंग्स कैन नॉट गिव रियल नॉलेज. इन्होंने कहा वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति आपको अनुभूति और फीलिंग से नहीं होगी. एंड द सो कॉल्ड नॉलेज व्हिच सेंसेशन एंड फीलिंग्स आर सपोज्ड टू गिव अस इज वेरिएबल एंड नेवर नेसेसरी. और वो ज्ञान जो हमको सेंसेशन और फीलिंग से मिल भी रहा है, वो वेरी करेगा, वो जरूरी नहीं है. रैशनलिज्म फॉर्मुलेटेड बाय सॉक्रेटिस एंड प्लेटो बिकेम इंक्रीजिंगली आर्टिकुलेट इन द फिलोसफीज ऑफ डेकार्ते. देखिए डेकार्ते को रैशनलिज्म का जनक कहा जाता है. स्पिनोजा एंड लिबनिस ने ज्यादा बात की है इस पे. रैशनलिस्ट क्या हुए कि रैशनलिस्ट डिफर अमंग देमसेल्व्स रिगार्डिंग द प्रॉपर फंक्शन ऑफ सेंस एक्सपीरियंस. जो जितने भी तर्कवादी हुए, वो सेंस एक्सपीरियंस की फंक्शनिंग पे उनके विचार एक दूसरे से अलग अलग थे. कुछ ने कहा कि एक्सपीरियंस जो है वो मिसलीडिंग है, कुछ ने कहा नहीं नहीं एक्सपीरियंस भी जरूरी है. तो द रैशनलिस्ट कंटेंशन दैट ट्रू नॉलेज ओरिजिनेट्स इन रीजन और इज अ होली अ प्रायरी इज अनटेनेबल. ये कह रहे हैं कि मतलब रैश. फिर कुछ जो तर्कवादी हुए, उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, पूरी तरीके से आप तर्क पर निर्भर नहीं सकते. अगर हम ये कहेंगे कि पूरा पूरा सच्चा ज्ञान आपको तर्क से ही मिलता है, अनुभव से कुछ नहीं मिलता है, तो ये एक तरीके से मतांधता हो जाएगी ना. तो हेंस रैशनलिज्म इज अ थियरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ नॉलेज इज वन साइडेड एंड डॉग्मेटिक.
इसको भी कहा जाएगा कि आपने एक ही पक्ष देखा है, दूसरा पक्ष नहीं देखा है, और आप एक तरीके से मतारोपण कर रहे हैं, इंडॉक्ट्रिनेशन कर रहे हैं, आप मत में अंधे हो गए हैं, ऐसा कहा जाएगा, डॉगमेटिज्म को कहा जाता है। तो ये सारा मतलब फेथ, रीजन, बिलीफ, रेशनैलिटी सब नॉलेज को प्राप्त करने के साधन है, ओरिजिन ऑफ नॉलेज है। सब पे बहुत डिबेट चली, सब पे वाद विवाद हुआ, और आप ये कह सकते हैं ना ही पूरी तरीके से फेथ, ना केवल बिलीफ, ना केवल रीजन, ना केवल रैशनैलिटी नॉलेज प्राप्त करने के लिए अगर आप देखेंगे तो सभी अपने आप में अपूर्ण हैं, कोई भी पूरी तरीके से पूर्ण नहीं है। इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं। ये एक टॉपिक था, BMS द्वारा इंक्लूड हुआ है, नया टॉपिक था, सो आई हैव शेयर्ड विद यू ऑल। ओके, आई बिलीव कि ये बिलीफ है ना, इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये आपको आपके लिए लाभप्रद होगा। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।